एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश. ठीक है, आज अपन इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है द किटी रैन अप द ट्री. इस चैप्टर में क्या दिया है, एक किटी है. किटी मतलब एक बिल्ली. बिल्ली के बच्चे को क्या बोल रहा है, किटी बोल रहा है. एक किटी किस पे चढ़ रही है, ट्री पे चढ़ रही है. द किटी रैन अप द ट्री. द किटी रैन अप द ट्री, ये दो लाइन बोल रही हैं कि किटी जो है, बिल्ली जो है, वो ट्री पे चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है. हर नोज वेंट अप एंड हर टोज ट्रक्ड अप. अब जब बिल्ली ऊपर चढ़ेगी तो उसकी नोज होती है ना, नोज नाक, वो भी ऊपर चढ़ रही है. उसके साथ में उसके टोज, टोज मतलब पैर की उंगलियां, वो भी उसके साथ ऊपर जा रही हैं. एंड द किटी रैन अप द ट्री, और किटी जो है, बिल्ली जो है, ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ती जा रही है. वाई डिड सी क्लाइम द ट्री. क्लाइम मतलब होता है चढ़ना. वो ट्री पे क्यों चढ़ रही है, पेड़ पर क्यों चढ़ रही है. टू सी व्हाट अ किटी कुड सी, क्या देखना चाहती है, पेड़ पर चढ़कर देखना चाहती है कि आखिर पेड़ पर है क्या. बट ऑल सी कुड सी, लेकिन वो ऊपर जाकर देखना चाहती है. एंड द टॉप ऑफ द ट्री, कहाँ पर, बिल्कुल ट्री के टॉप पे, मतलब बिल्कुल ट्री के ऊपर, सबसे ऊपर का पार्ट होता है ना, उसको जाकर देखना चाहती है. वॉज द टिप ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, ये देखना चाहती है कि क्या जो पेड़ है सबसे ऊपर उसका टिप है, मतलब सबसे ऊपर जाकर वो सब कुछ पूरा देखना चाहती है कि ट्री पे सबसे ऊपर जाके क्या क्या दिख रहा है, ट्री पे जाके ऊपर से नीचे क्या क्या दिखता है. सो द किटी केम डाउन द ट्री, जाती है ऊपर, सब कुछ देखती है, फिर वहाँ से वापस नीचे आ रही है. देखो नीचे आ रही है वापस. द किटी केम डाउन द ट्री, वापस नीचे आ रही है. देखकर हर नोज केम डाउन, उसके साथ उसकी नोज भी आओगी नीचे. एंड हर टोज केम डाउन, उसके पैर के टोज भी नीचे आएंगे. एंड द किटी केम डाउन द ट्री, और किटी वापस ट्री के नीचे आ जाएगी. ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट. सो चैप्टर वन से क्या बोल रहा है, चैप्टर में ये बताया कि किटी है, एक बिल्ली है जो पेड़ के ऊपर चढ़ रही है, फिर पेड़ से नीचे उतर रही है. ठीक है, क्यों चढ़ रही है, क्योंकि वो ये देखना चाहती है कि आखिर पेड़ पर है क्या. फिर वो पेड़ पर चढ़ के देखना चाहती है कि पेड़ की टिप पर, सबसे ऊपर टॉप पर क्या है. ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट. ओके, इसको आप पढ़ना, समझना. थैंक यू.